सालों से हमारा रिलेशन था और एंड पे हमने डिसाइड किया कि हम शादी करेंगे, तो फ़ोन लग नहीं रहा था, बड़ी परेशान हुई। बाद में मुझे शाम तक पता चला कि वो तो शहीद हो गए। सीमा में सुरक्षा बल जो तैनात रहते हैं, जिसकी वजह से आप और हम सुरक्षित रहते हैं, और उनको जब शहीद हो जाते हैं तो देशवासियों को लगता है कि शहीद हो गया है, लेकिन उनको अभी तक शहीदों की दर्जा नहीं मिले। ये तो अर्धसैनिकों की मांग है और उनके साथ सपोर्ट करने के लिए हमारे साथ में है नीलम जी। आपके घर में भी कभी ऐसे कोई हादसा हुआ होगा, आज वही कहानी लेके हम आपके पास आए हैं। सुनिए इनकी दर्द भरी कहानी, जब आपकी बेटी या आपकी बहन जब मेहंदी से हाथों को रंगने से पहले ही वो हाथ सूना हो जाते हैं, घर में बारात आने से पहले जब तिरंगा में लिपट के वो जवान घर आते हैं, तो कैसा लगता है? दर्द भरी कहानी हम लोग सुनेंगे। हमारे साथ नीलम जी हैं। नीलम जी, क्या कहना चाहते हैं? आज आप अर्ध सैनिक बलों की सपोर्ट करते हैं फेसबुक के जरिए, जैसे आपने बताया है। आप दर्शकों को बताइए कि पूरा कहानी क्या हुआ और किस वजह से आज आप अर्धसैनिक बलों को इतना सपोर्ट करते हैं। मैं जिससे प्यार करती थी, बहुत सालों से हमारा रिलेशन था और एंड पे हमने डिसाइड किया कि हम शादी करेंगे, और उन्होंने कहा कि लाइफ का कुछ भरोसा नहीं है, सो शादी हमारी तय हो गई। छुट्टी भी उनकी सेंक्शन हो गई थी, आने वाले थे, 15 दिन रहते थे शादी को। मैं बहुत खुश थी, सारी शॉपिंग कर रही थी, सारी कहाँ से मेहंदी लगानी है, किस होटल में करनी है शादी, कौन से कलर का ड्रेस पहनना है, रेड कलर मेरा बहुत फेवरेट है। उन्होंने मेरे लिए वो सूट भी खरीदे थे। बस आप अपने आप को संभालिए। सो मैं जब वो 15 दिन सिर्फ रहते थे शादी को, सुबह मैंने उठ के फ़ोन मिलाया तो फ़ोन लग नहीं रहा था, बड़ी परेशान हुई। बाद में मुझे शाम तक पता चला कि वो तो शहीद हो गए। मैं इतनी पागल हो गई कि अभी मैं 2 साल से चलने फिरने लगी हूँ, मैं बिल्कुल टोटली बेड पे थी। क्या हो गया था आपका? पूरी मैं गुमसुम रहती थी, किसी से बात नहीं करना, रूम में बंद अपने आप को कर लिया था। कितने साल हो गए ये होते हुए? काफ़ी साल हो गए। छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ा हादसा हुआ था, बहुत सारे एक साथ सैनिक गए थे, बहुत सारे गए थे, एक दो नहीं, बहुत सारे गए थे। सो उसके बाद मैं चुपचाप अपने घर में बंद, किसी से बात नहीं करना, कुछ नहीं। अभी तो 2 साल से मैं वापस उठ के इसलिए चली क्योंकि वो मुझे बताते थे, नीलम देश के जवान बहुत परेशान हैं, कुछ तो डिपार्टमेंट की तरफ से, कुछ सरकार की तरफ से, वो कुछ करना चाहते थे। कहते थे मैं अच्छे अहदे पे पहुंच गया, वैसे भी अच्छे थे, अच्छे अहदे पे थे, मगर वो कहते थे अच्छे अहदे पे अगर मैं पहुंच जाता हूं तो मैं इनको इनके हक अपने थ्रू जितना मैं कर पाता हूं, अभी भी कर रहा हूं, जितना सपोर्ट कर सकता हूं, मगर आगे भी मैं इनको करूँगा। मगर जब वो शहीद हो गए, मेरी फ्रेंड्स ने मुझे बोला कि तुम गुमसुम क्यों बैठी हो घर के अंदर, इनके लिए अगर करना है ना तो मैं सच में तुम उसी के लिए ही अपना लाइफ देना चाहती हो, तो फिर तुम कुछ करो इनके लिए। तब मैं जाके FB पे थ्रू मुद्दे उठाने लगी पैरामिलिट्री के, और फिर मैंने एक जरिया ढूंढा रणवीर सर का, जो पैरामिलिट्री के जनरल सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी हैं, मैंने इनकी मुहिम के साथ जुड़ी। इनकी मुहिम के साथ जुड़ के अब ये पैरामिलिट्री के मुद्दे उठाए जा रहे हैं। लोगों को मैं भी वीडियो बना के बताती हूँ कि पैरामिलिट्री के जवान कौन है, CRPF, BSF, YTBP, सबके मुद्दे को आप सबके मुद्दे उठाती हूँ, और सरकार से भी वीडियो बना करके भी अपील करती हूँ कि कम से कम जो टुकड़ों में आ रहे हैं, जिनकी हम लोगों ने शक्लें तक नहीं देखी है, मगर कम से कम उनका इतना तो। सबसे पहले तो आप रोए मत मैडम, आप हम समझ सकते आपका दुख। कम से कम आप उनका तो सोचिए, जो शहीद हो के आ रहे हैं यहाँ पे, उनको पेंशन नहीं है, उनको शहीद का दर्जा नहीं है, उनकी फेस तक नहीं घर वाले देख पाते हैं, उनको 1 rank 1 पेंशन नहीं है, उनकी ओल्ड पेंशन स्कीम जो है, उनकी डिमांड है, उनको क्यों नहीं दी जाती सेना की तरह, उनको जब सेना की तरह सारा काम करते हैं। हम नहीं कहते सेना बड़े भाई है,
कम से कम उनको सेना की नहीं मिलाना ना मिलाए, मगर कम से कम उनको सुविधाएं तो दे दें। जो हकदार है, जो गोली खाने के लिए सिर्फ बचे हैं, वो बम में ब्लास्ट होने के लिए बचे हैं। अगर उनको पेंशन नहीं है, शहीद का दर्जा नहीं है, तो फिर किस लिए? वो सिर्फ गोलियां खाने के लिए तो वहाँ नहीं है। अरे हम लोगों की तरफ देखो, हम लोगों ने तो उनकी शक्लें तक नहीं देखी। घर से इतने शौक से भेजा हम लोगों ने, इतने शौक से भेजा हम लोगों ने उनको घर से, जाते हुए ट्रेन में छोड़ा। बुक्के जैसे दे के भेजते हैं, चीजें बना बना के भेजते हैं, ये खाना वो खाना, कितने प्यार से भेजते हैं। आपकी जैसे तो ऐसे बहुत सारी लड़कियां होगा हमारे देश में, बहुत सारी बहनें होंगे, बहुत सारी सबकी बेटी भी होंगे, तो मैडम ऐसे परिस्थिति से गुजर रहे होंगे वो लोग। बहुत सारी लड़कियाँ गुजर रहे होंगे। मैं आपको बताऊँ बड़ी बात, कई तो लड़कियों ने सुसाइड तक कर लिए, कईयों की बीवियाँ, आपने पीछे देख दो केस देखे होंगे, सैनिक शहीद हुआ, 2 महीने बाद बीवी ने भी सुसाइड कर लिया। तो ये सब होता है, मगर उनको आपके सामने कोई दर्जा नहीं, कुछ कुछ नहीं। मैडम जिस वक्त आपको वो न्यूज़ मिला, उस वक्त आपके परिवार और आप क्या महसूस करें? क्योंकि मैं इसलिए आपको रुलाना नहीं चाहती हूँ, ना आपको मैं दिल में ठेस पहुँचाना चाहती, लेकिन मैडम मैं दिल उस जनता तक उस आवाज़ को पहुँचाना चाहती हूँ कि ऐसे दशा में भी लोग गुजरते हैं। और आप उन बेटी उन परिवारों के लिए क्या कहना चाहते हैं जिसकी कंडीशन आपकी जैसे परिवारों को या आपकी जैसे प्रॉब्लम फेस करते हुए गए? मैं आप जो कह रहे हो ना, किस टाइप की कंडीशन, तो आप यहाँ से हिसाब लगा लीजिए कि मैं 2-2.5 साल से चलने लगी हूँ, उसके अलावा मैं बेड पे थी, मैं बिल्कुल बाहर का सूरज तक भी देखती ही नहीं थी, बिल्कुल। अभी भी कई बार डिप्रेशन में चली जाती, मैं हफ्ते भर बाहर रूम से नहीं निकलती। जो आपको दर्शक देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज है? जैसे जिस परिस्थिति से आप गुजरे, ऐसे परिस्थिति कोई भी बेटी गुजर रहे होंगे, शायद आपसे भी बुरी कंडीशन में होंगे या जीना नहीं सीख रहे, जैसे आपको एक उम्मीद मिल गया कि आप इनके लोगों की आवाज़ को उठाएंगे, तो उनके लिए क्या मैसेज है, उनको क्या करना चाहिए? मैं सिर्फ उन लोगों के लिए एक ही मैसेज देना चाहती हूँ, प्लीज़ देखिए, जानिए, अपने इंटरनेट खोलिए, गूगल खोलिए, जानिए पैरामिलिट्री फोर्स क्या है। देखो आर्मी को तो सारी सुविधाएं हैं, मगर जिन सैनिकों को सुविधाएं नहीं है पैरामिलिट्री को, उनके लिए आवाज़ बनी है। अपनी फेसबुक के थ्रू ही चाहे उनकी एक पोस्ट डालिए, सरकार को डालिए कि भाई प्लीज़ इनको पैरामिलिट्री के जवानों को पेंशन शहीद का दर्जा, सारी जनता से मेरी अपील है, अपनी फेसबुक पे डालिए एक एक पोस्ट के सारे पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को हक दिए जाए, उनकी फैमिलियों का, मेरे जैसी लड़कियों का सोचा जाए, जिनके होने वाले जो हस्बैंड हैं, जो शादियाँ होने वाले, एक सपने टूट गए हैं सब कुछ, तो सारी जनता भी एक एक पोस्ट डालेगी ना, तो देखो मोदी सरकार तक पहुंचेगी। तो हमारी प्लीज जनता हेल्प करें, ये पैरामिलिट्री के जवान है, मैं एक बार फिर बता दूं, CRPF, BSF, ITBP, SSB, CISF, असम राइफल, इन जवान, ये हैं जवान जो पुलवामा में शहीद हुए थे, वो आर्मी के नहीं थे, लोगों को यही गलत सहमी है, वो CRPF के पैरामिलिट्री के जवान थे, और जो शहीद हो चुके हैं पैरामिलिट्री के जवान पुलवामा में भी, उनको ये चीज जनता को जाननी होगी कि उनको पेंशन का, शहीद का दर्जा नहीं है, कुछ नहीं है, वो खाली ब्लास्ट में उड़ गए, एक एक किलो मांस आया है सिर्फ घरों में, किसी ने शक्ल तक नहीं देखी। बस ये जनता से अपील है मेरी, अपने अभियों पे प्लीज पैरामिलिट्री का डालिए सरकार को कि उनको हक दिए जाए, सेना की तरह जब काम करते हैं, तो ये भी एक फौजी हैं, जैसे आर्मी के फौजी हैं वैसे ये हैं, मगर जनता को बहुत कम पता है। पॉलिटिशियन भी वहाँ पे टीवी पे आके पता क्या बोलते हैं, जब हमारा पैरामिलिट्री का जवान शहीद होता तो वहाँ आर्मी आर्मी करते हैं, क्या आर्मी का सोल्जर, ये गुमराह किया जाता है लोगों को, तो ये गुमराह करना पॉलिटिशियन भी बंद करें, पैरामिलिट्री का जवान है तो पैरामिलिट्री का बोले। अभी नरेंद्र जी शहीद हुए थे BSF के, उनको भी इन्होंने, पात्रा जी ने वहाँ पे बोला आर्मी का जवान, क्यों आर्मी का जवान, वो BSF का जवान था, जब BSF का जवान है क्यों लोगों को गुमराह करते हैं, लोग तो यही सोचते हैं आर्मी। अभी आपने पुलवामा में जब शहीद हुए थे इंडिया गेट में सब लोग आर्मी जिंदाबाद, आर्मी जिंदाबाद, किसी ने बोला लोग कंफ्यूजन में रहते हैं, लोगों को ये पता ही नहीं है कि अर्धसैनिक क्या है और आर्मी क्या है। बिल्कुल, अर्धसैनिक बल हम उन्हीं को कहते हैं जो पैरामिलिट्री फोर्स है, उसको अर्धसैनिक बल दिया कहा जाता है, क्योंकि इनको सुविधाएं नहीं है, इसलिए आधे अधूरे सैनिक, ठीक है। सो नेट पे गूगल पे सर्च मारो पैरामिलिट्री फोर्स क्या है, ये पैरामिलिट्री फोर्स, सैनिक जब भी शहीद होता है ना तो उसका नाम लेके गूगल पे सर्च करो, आज कौन सा सैनिक शहीद हुआ, फोर्स का चेक करो, यहाँ पे शोल्डर पे लिखा होता है BSF, CRPF, आर्मी का अलग, आर्मी का भी लिखा, सबका लिखा होता है। तो ये चीज लोगों को बहुत जानना बहुत जरूरी है कि पैरामिलिट्री का जवान है जो शहीद हो रहे, छत्तीसगढ़ में, कश्मीर में, झारखंड के जंगलों में बैठे, 6-6 महीने तक नेटवर्क नहीं मिलता वहाँ पे, हम लोगों की बात तक नहीं होती थी 6-6 महीने, हम लोग आस में लगे रहते थे कब आएगा, कब बात होगी, कब हम शक्ल देखेंगे, क्योंकि घर में कोई डेथ हो जाती है ना, ITBP का जवान 18,000 फीट पे बर्फ के ऊपर दब जाते हैं, बर्फ के अंदर, बर्फ का जब तूफान आता है, ठीक है,
मगर किसी को घर पे डेथ हो जाती, किसी को पता भी नहीं चलता कि कब डेथ हो, क्योंकि वो 3-3 महीने के लिए ऊपर बैठे हुए हैं, वहाँ कोई सुविधा नहीं बात करने की, कुछ नहीं। और जब घर पे आते हैं तब उनको जाके नीचे आते हैं, जब 18,000 फीट पे, तब उनको जाके पता चलता है कि हमारे घर में ये डेथ हो गई। तो आपका उस जब सडनली आपके साथ वो हादसा हुआ, उसके बाद से आप फिर इन्हीं के साथ, आप 2 साल आप जैसे बता रहे, 2 साल के बाद से आप इन्हीं के साथ? हाँ जी, 2-2.5 साल हो गए मुझे इन्हीं के साथ जुड़े हुए। मैं फेसबुक के थ्रू भी, मेरी फेसबुक पर सारे सैनिक क्या करते हैं मैडम? मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ, ऐसे मेकअप आर्टिस्ट हूँ। और मैं ये भी अभी सोच रही हूँ कि मैं शायद खुद भी शहीद के परिवार जो है, जो विधवाएं हैं, उनको जो है मैं कोशिश कर रही हूँ कि अगर मेरे पास आती हैं तो मैं उनको अपने लाइन का भी काम सिखाऊं, जो कम से कम जो तो चले गए तो कुछ कर पाए। मैडम ऐसा क्यों लगता है कि शहीदों की जो परिवार होता है, पहले तो वादा होता है कि शहीदों के परिवार में मोटा अमाउंट दे दिया जाएगा, लेकिन उनके पास तक भी नहीं पहुँचते? और कोई अमाउंट नहीं पहुँचता मैडम। अभी देखिए, पीछे आपने सुना था एक सैनिक का सिर काट के ले गए थे पाकिस्तान वाले, उनको सरकार ने बोला था पेट्रोल पंप देंगे, सारा पैसा देंगे, 1 करोड़ पता नहीं कितना। मैडम कुछ नहीं मिला, जाके उनके घर में देखिए, जाके बड़ी शर्म वाली बात है, टॉयलेट तक नहीं उनके घर पे। तो मैडम क्या कहना चाहते हैं इसमें नाकामी कहाँ पर, क्योंकि सैनिक तो अपना पूरा जो ईमान और धर्म पूरा लगा देते अपने उसमें कि सिर्फ देश की रक्षा करना है, उसमें किसी को नहीं देखते, क्योंकि गोली किसी धर्म किसी इंसानों को देख के नहीं आते। लेकिन अभी देश में धर्मों को लेकर राजनीति होता है, हर चीज में सैनिकों की जो शहादत के ऊपर भी राजनीति चलने लग जाते हैं, जबकि नहीं होना चाहिए। क्या कहना चाहते हैं आप मैडम? ये जो है ना, जितने भी ये अभी पहले भी देखो, मोदी जी ने भी, इवन हम पैरामिलिट्री के जवानों के ऊपर ही इस गवर्नमेंट में आए, क्योंकि इन्होंने हर जगह रैलियां करी, हर जगह इन्होंने खुद अपने मुंह से बोला मैं अगर इस सरकार हमारी बनती है तो हम शहीद इनको पैरामिलिट्री के जवानों को सारी सुविधाएं देंगे। अब फिर से वही सिर्फ देश के जवानों पे राजनीति, पुलवामा वाला कांड हो गया या करवा दिया या हो गया, मैं तो खुले में बोलती हूँ, मुझे किसी का डर नहीं, ठीक है। ये सिर्फ सैनिक चढ़े हैं, राजनीति की बलि का बकरा बने हैं, ठीक है। ये शहीद करवाए गए हैं, ये बलि का बकरा बने, ये इलेक्शनों के बलि का बकरा बने हुए ये हमारे जो पुलवामा शहीद हुए सैनिक, ठीक है। ये सच्चाई है, इलेक्शन आने थे, उधर जनता का वो हमदर्दी बटोरनी थी, सैनिकों को शहीद करवा दिया गया। मैं खुले में बोलती हूँ, मुझे किसी की गोली का डर नहीं, मैं नहीं डरती किसी से भी। ये जवान शहीद करवाए गए हैं, ये हुए नहीं, ये राजनीति की बलि चढ़े हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये मैडम, मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं बताना नहीं चाहती थी, मैं अभी शंकर सिंह बराला जी शहीद हुए थे सीआरपीएफ के, पिछले साल जुलाई में मैं उनके घर गई थी, मैंने अपने पास से अपनी मेहनत की कमाई से 51,000 रुपये उनके घर दे के आई थी, मैं राजस्थान गई थी। मैं और भी सैनिकों की अब चुपचाप हेल्प करती हूँ, जितना भी मेरे जो भी मेरी इनकम होती मैं सैनिकों के परिवार को ही देती हूँ, अपने गुजारा कर रखती। मैडम आप इतना ज्यादा उन परिवारों के लिए करते हैं, सरकार से भी उम्मीद रखते हैं, आपको उम्मीद है सरकार से जो कोशिश आप जनता तक पहुँचाने की कोशिश करते, सरकार तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं, आपको कितना उम्मीद है? आपको जो शंकर सिंह बराला जी शहीद हुए ना, उनको अभी तक 1 रुपया भी नहीं मिला उसके घर में, 1 रुपया भी नहीं, एक सर्टिफिकेट की वजह से उनका वो रुका हुआ है। मीडिया में बहुत खबर आते हैं कि परिवार शहीदों के परिवारों में 25 लाख रुपए दे दिया गया, उनके परिवारों में इतना दे दिया गया, कहते कुछ है होता नहीं है क्या? कुछ नहीं मैडम, कुछ नहीं। अभी शंकर सिंह बराला के बता रही हूँ ना मैं आपको, एक सर्टिफिकेट के लिए उनको चक्कर कटवाए जा रहे हैं, इस डिपार्टमेंट जाओ, इसमें जाओ, इसमें जाओ, इसमें जाओ, अभी तक उन्होंने हार के। एक न्यूज वाले अभी जो वो लांबा जी, रोहतास लांबा जी शहीद हुए थे ना, तब उनका परिवार वहां पे गया क्योंकि मजबूरी थी, वहां मीडिया आएगा, तब उनके परिवार ने मीडिया के थ्रू अपनी आवाज उठाई कि देखिए हमारा भाई शंकर सिंह बराला शहीद हो गया। तो उन्होंने पता क्या बोला, रोहतास लांबा के घर वालों को बोला बॉडी लेने से मना कर दो। तो मैडम यहाँ पर मीडिया, आपको क्या मेन स्ट्रीम मीडिया नजर आया है आपको? मैडम मैं मीडिया का भी बोलूँ, आप लोग भी मीडिया वाले हो, बट सॉरी टू से एक्चुअली क्या मीडिया वाले भी जो है ना, जैसे मैं सबका एक बोलती हूँ, आज तक हो गया चाहे कुछ भी, कुछ चैनल बीजेपी के अपने खरीदे हुए जो जहाँ से रिकॉर्डिंग करके लेके चले जाते हैं, मगर दिखाता कोई भी नहीं, सिर्फ यहाँ पे आए रिकॉर्डिंग करिए चले। हाँ एनडीटीवी इंडिया दिखाते हैं, बीबीसी वाले भी, बीबीसी है समथिंग, ऐसा कुछ न्यूज लास्ट टाइम जो 24/7 वालों ने भी दिखाया था हमारा, ठीक है, एनडीटीवी इंडिया वालों ने दिखाया था, बाकी सारे चैनलों की मैं बता रही हूँ रिकॉर्डिंग करके लेके गए, जितनी बार भी आते हैं रिकॉर्डिंग, मगर उसके बाद दिखाता कोई भी नहीं, ठीक है। तो ये कड़वी सच्चाई है, और मैं तो बोल देती हूँ मुँह पे, जो भी अदर चैनल वाले आते हैं तो मैं बोल देती हूँ, मैं बोलती हूँ सॉरी, कोई फायदा नहीं लेने का, क्योंकि दिखाना तो है नहीं आप लोगों ने, जस्ट फॉर्मेलिटीज करने के लिए। दबाव है बीजेपी की सरकार का, क्योंकि जो सरकार आती है उसका दबाव होता है चैनलों के ऊपर, और जी वाले तो मैं खुले में कह रही हूँ बीजेपी के चमचे पूरे, जो बीजेपी बोलेगी वही करना है इन्होंने। थैंक यू सर। ये थे हमारे साथ नीलम जी,
जिनकी कहानी हम आप तक पहुंचाए हैं कि किस दर्द से ये बेटी गुजरी है, ये देश की बेटी है। शायद यही कहानी आपके परिवारों में भी कभी हुआ होगा या आपके रिश्तेदारों में भी कभी हुआ होगा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हम तो चाहते यही है लेकिन हो जाते हैं, और इनके अभी ये कोशिश यही करते हैं, उन परिवारों के बीच में जाते हैं, उनकी दर्द भरी कहानियों को सुनते हैं और उनकी जितना हो सके मदद करते हैं, और फेसबुक के जरिए अपनी आवाज़ को उठाते हैं और सरकार तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। इनकी कोशिश कब तक रंग लाएगा ये तो देखना है। अर्धसैनिक कब तक ऐसे कभी प्रेस क्लब कभी जंतर मंतर कैसे अपनी मांगों को लेके कब तक घूमते रहेंगे ये तो देखना है। 2019 में क्या रिजल्ट आएगा, क्या इनके लिए कोई घोषणा पत्र में इनकी कुछ भी मांग शामिल होगा कि नहीं होगा ये तो देखना है। तब तक आप लोग हमारे साथ, वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कॉमेंट करके